कैसे आप सब, मेरा नाम है उत्कर्ष और लेके आ गए आपके लिए दोस्तों सोलर मशाल। आप देख सकते हो इतनी कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर। आपको क्या लग रहा है, एक मशाल होगी, दो मशाल होंगी, तीन मशाल होंगी? नहीं दोस्तों, इतने कॉम्पैक्ट बॉक्स में मिलती है हमारे को 6 मशाल जो कि सोलर से चलती है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बॉक्स में हम कैसे पैक्ड है वो सारी मशाल और कैसे हमारे को इंस्टॉल करनी है, और नाइट व्यू भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वाले बॉक्स को खोल लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और यहाँ पे एक आप पिक्टोरियल डिजाइन देख सकते हो कि किस टाइप की ये मशाल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों बॉक्स को हम खोल लेते हैं। ये देखो बॉक्स में आती है मशाल कुछ इस टाइप से, और इसके अंदर जो हमारे को स्पाइक्स मिलते हैं ना दोस्तों, तो ये 6 मशाल है तो इसके अंदर हमारे को 6 स्पाइक्स मिलते हैं जो कि हम गाड़ सकते हैं गार्डन के अंदर, और इसके साथ हमारे को 6 पाइप्स मिलते हैं जो कि एक्सटेंडर है इसके, जो कि हाइट बढ़ाते हैं इस मशाल की। एंड दोस्तों यही नहीं, इसके अंदर मिलते हैं हमारे को 6 डिफ्यूजर इस टाइप के, जो सॉफ्टी कोन होता है उस टाइप के डिफ्यूजर मिलते हैं। एंड जो हमारे को मिलते हैं डेकोरेटिव, मतलब कि जो फ्लावर पैटर्न बनाएंगे ना ग्राउंड पे वैसे टाइप के, आप देख सकते हो एक ग्लास की तरह होते हैं, ये भी 6 पीसेस मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम इन सबको इंस्टॉल करेंगे। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके साथ जो मेन मशीन है जो कि सोलर से चलेगी वो सिर्फ इतनी सी, आप नीचे देख सकते हो एलईडी लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ऊपर सोलर पैनल है दोस्तों जो कि पूरा ग्लास के अंदर हमारे को मिलता है। तो ये है दोस्तों मेन जो इसका दिमाग है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है, बाकी सारे प्लास्टिक के पीसेज हैं। तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो 6 पीसेज मैंने इसके भी निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस टाइप का सेटअप बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ये देखो ये रहा डिफ्यूजर, ये रहा पाइप, कहाँ पे क्या चीज जोड़े, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। ये जो काले वाला ग्लास है इसके अंदर ये डिफ्यूजर डालने का है आपको ऐसे, और इसको डाल के यूं करके रोटेट कर देने का है तो ये लॉक हो जाएगा। और जब ये लॉक हो जाए दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे आपको पाइप इंसर्ट करना है, ये वाला पाइप आपने इंसर्ट कर दिया। एंड इसके नीचे आपको इजीली बस एक ये स्पाइक आपको इंसर्ट करना है, तो ये आपकी मशाल तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, इसको नीचे से स्विच दबाना है और देखना है जब आप सोलर पैनल पे हाथ रख रहे हो तो ये लाइट जल जाएगी इसमें, तो आपको बस ऑन करके इस पे लगा देना है, और ये रही आपकी मशाल तैयार। तो ऐसे करके जल्दी से हम 6 की 6 तैयार कर लेते हैं मशालें। तो दोस्तों मैंने कर ली है 6 की 6 मशालें तैयार। आप देख सकते हो कितनी बड़ी लग रही हैं और कितने छोटे से बॉक्स में आई थी। तो इसकी हाइट दोस्तों अप्रोक्सीमेटली होगी 2 फुट के अराउंड, तो आप देख सकते हो 1 फुट के करीब ये, 2 फुट के करीब ये, तो 2 फुट की हाइट मिलती है इसमें। अगर ये आपका 6 इंच अंदर भी चला जाएगा ग्राउंड के तो आपका 1.5 फुट के करीब निकली रहती है। लेकिन अगर आपका जैसे गार्डन है उसमें पाथवे है ना, तो आप इसको कोनों पे लगाओगे तो नीचे जो ये पैटर्न बनाएगा ना दोस्तों फ्लावर वाला, वो बहुत ही अमेजिंग होगा और बहुत ही अपलिफ्ट कर देगा आपके गार्डन व्यू को। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनानी है। अब हम एक काम करते हैं, स्टूडियो की लाइट बंद करते हैं और इसका नाइट व्यू लेते हैं। आई होप कि आपको ये वाली लाइट की अनबॉक्सिंग बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। अगर आप भी इस वाले प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डेविल डील्स पे जाइए, एट अ बेस्ट प्राइस आप इसको परचेस कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आते हैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच।